तो इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंक्वायरीज हैं, ऐसे टेक्नीशियंस हैं, उनका एक क्वेश्चन ये रहता है कि वीआर ट्रेनिंग ऑनलाइन करना सही रहता है या ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना सही रहता है। तो दोस्तों देखिए, ऑफलाइन ट्रेनिंग कौन लोग कर सकते हैं जिनको बिल्कुल कभी वीआर के बारे में पता नहीं है या फिर कभी उनको पता नहीं है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो है प्रोसेसिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल्स क्या होता है, इनको पता नहीं है कंप्रेसर्स टाइप क्या होते हैं, इंडोर आउटडोर यूनिट्स क्या होते हैं, वायर ब्रांच क्या होता है, कॉपर पाइप्स क्या होता है, जिनको नहीं पता वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, एयर एयर टाइट करना, लीकेज चेक करना, वेल्डिंग करना, वैक्यूम करना, ये सब चीजों के बारे में नहीं पता है उनको, पता नहीं है सिंगल फेस और थ्री फेस में क्या अंतर होता है, थर्मोस्टेट वायरिंग वगैरह में क्या अंतर होता है, उनको पता नहीं रेफ्रिजरेंट गैस के अंदर में गैस चार्ज प्रोसेस के तरीके क्या होते हैं। अगर ये नहीं पता है तो उनके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी होता है या फिर उनको ये प्रोजेक्ट विजिट करा के उन चीजों को क्लेरिफिकाई करना जरूरी होता है। लेकिन बेसिकली जिनको पता नहीं है वेल्डिंग क्या होता है, स्वेजिंग क्या होता है, क्लैरिंग क्या होता है, तो डेफिनेटली वो लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस वीआर ट्रेनिंग करने के लिए मिनिमम आपको जो एक्सपीरियंस है वो इतना होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडोर आउटडोर क्या होते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स है, कूलिंग कॉइल है, कंडेंसर है, ऑपरेटर है, सेक्शन है, डिस्चार्ज है, रेफ्रिजरेंट गैस है, मेनी टाइप ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि सोलेनाइड वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व, हीट एक्सचेंजर, जिनके बारे में आपको पहले से पता है। आपको पता है वीआर में जो कॉपर पाइपिंग किया जाता है वो क्या होता है, वेल्डिंग क्या होता है, इंडोर आउटडोर यूनिट क्या होते हैं। अगर आप पहले से ही 4-5 साल, 2-3-4 साल, 10 साल, 5 साल, कितने सालों से भी काम कर रहे हैं और आपको पता है कि इंडोर आउटडोर यूनिट क्या होते हैं, कंप्रेसर क्या होता है, कंडेंसिंग कॉइल क्या होता है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस सीख सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो आप वीआर के बारे में सीखते हैं वो सीखते हैं किसी भी मशीन के अंदर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करना है उन प्रोजेक्ट पे जाके एज ए प्रोफेशनली, वो है आपको मैप रीडिंग करना आना चाहिए, इंडोर आउटडोर वाइब्रेंस सिलेक्शन, पाइप सिलेक्शन आना चाहिए, साथ में वैक्यूम सेटिंग आना चाहिए, और साथ के अंदर में एडिशनल गैस चार्ज करने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ऑटो गैस चार्ज और मैनुअल गैस चार्ज आपको पता होना चाहिए, और साथ के अंदर में जितने भी जो इंडोर आउटडोर यूनिट्स हैं उनके सिलेक्शन करने के बाद में जो उनको एड्रेस कैसे करना है, ऑटो एड्रेस और मैनुअल गैस एड्रेसिंग कैसे करना है, और जितने भी जो आप सिस्टम किसी भी कंपनी का लगा रहे हैं सबके अंदर में जो है प्रोग्रामिंग एड्रेसिंग का सबका अलग होता है, वायरिंग सबका अलग होता है, साथ के अंदर में आप जब एड्रेसिंग करते हैं तो एड्रेसिंग भी सभी कंपनियों का अलग होता है, चाहे कैपेसिटी किसी भी कंपनी का कोई भी हो, सबका प्रोग्रामिंग और सिस्टम के अंदर में आने वाले जितने भी पुश बटन सेटिंग्स वगैरह हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सभी के अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों मेन चीज क्या है, आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है वीआर के बारे में, तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, साथ में साइट विजिट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों क्या, जब सिस्टम में आप नया इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन करने के बाद में सिस्टम को प्रोग्राम किया जाता है, एड्रेसिंग किया जाता है, और साथ के अंदर में टेस्ट ऑपरेशंस किया जाता है कि मशीन को रन टेस्ट करने के लिए कि मशीन जो प्रॉपर तरीके से हमने ऑपरेटिंग किया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कमीशनिंग का सारा प्रोसेस वगैरह आपको सीखने के लिए मिलता है, और साथ के अंदर में जितना भी जो एड्रेसिंग वगैरह के बाद में टेस्ट ऑपरेशंस मशीन पे करना है वो सारा प्रोग्राम आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज के हिसाब से, कूल मोड वाले, हीट मोड वाले, हीट एंड कूल वाला, हीट रिकवरी सिस्टम, सब पे सब कंपनियों का डिफरेंट प्रोग्रामिंग होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे 17-18 लगभग 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 20 कंपनीज का मान लीजिए जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और सभी कंपनियों का आपको ई बुक्स कॉन्टेंट के माध्यम से भी आपको देने वाला हूँ जिसमें आपको वायरिंग से लेके एड्रेसिंग, टेस्ट, ऑपरेशन, एरर सॉल्विंग सारा आपको ई बुक्स के हिसाब में मिलता है, साथ में आपको वीडियोज भी आपको मिलता है, साथ में मेरा टेक्निकल सपोर्ट भी आपको ऑन प्रोजेक्ट पे मिलता है। तो बहुत ही ईजी है ऑनलाइन क्लासेस लेना सीखना, जूम क्लासेस के माध्यम से आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और कहीं से भी बैठ के कभी भी आप अपने समय के हिसाब से, कंट्री टाइम जोन के हिसाब से, अपने उपयुक्त टाइम के हिसाब से आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। कभी कभार आपकी क्लासेस मिस हो सकती है तो आप से वीडियोस के माध्यम से भी अपनी ट्रेनिंग को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। वीआर में ट्रबल शूटिंग में बहुत ज्यादा टेक्नीशियंस की जरूरत है, सुपरवाइजर इंजीनियर की जरूरत है जो ट्रबल शूटिंग करते हैं। वीआर में आने वाले जितने भी ट्रबल शूटिंग होती है वो सारी मेरी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको एरर सॉल्विंग सिखाया जाता है, पर ये बहुत ही इजी और आसान लैंग्वेज में आप लोगों को सीखने के लिए मिलता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी कंपनी के, किसी भी सीरीज पे जाके बेहद और आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, वन टाइम में अपनी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो जिनको एसी का काम करते हुए 2-3-4-5 साल हो गए हैं
वो लोग ऑनलाइन क्लासेस वी आर यू आर एफ के बारे में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं एज ए वी आर यू आर एफ टेक्नीशियन, वी आर यू आर एफ सुपरवाइजर, वी आर यू आर एफ साइट और कमिश्निंग एंड ट्रबल शूटिंग इंजीनियर। तो दोस्तों बहुत ही आसान और ईजी है, और साथ के अंदर में अगर आप एज ए बिजनेस ओनर काम कर रहे हैं, आप अपना सर्विस सेंटर या आप अपना जो है डीलरशिप के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, या आप प्रोजेक्ट पे या किसी भी तरीके के छोटा मोटा कॉन्ट्रेक्टर का काम लेके काम कर रहे हैं और आप प्रोफेशनली वी आर यू आर एफ के प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके बिजनेस में आप ग्रोथ चाहते हैं और अच्छे से आप प्रोजेक्ट वगैरह लेके उनको सक्सेसफुली करना चाहते हैं, तो आप बिजनेस ओनर का ट्रेनिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास में यहाँ कैटेगरीज है अलग अलग, वी आर यू आर एफ टेक्नीशियन, वी आर यू आर एफ सुपरवाइजर, वी आर यू आर एफ इंजीनियर एंड वी आर यू आर एफ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड बिजनेस ओनर। तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप आपके प्रोजेक्ट पे किस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए अपने काम को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो अपकमिंग बैच है 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है, अगर आप भी सीखना चाहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं एचवीसी एंड वीआर यूआरएफ के करियर में, तो डेफिनेटली आपका जो है ये समय बहुत ही उपयोगी है, इस समय आप सीख सकते हैं, क्योंकि अभी वीआर यूआरएफ की जस्ट शुरुआत है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा और बड़े स्तर पर आप लाभ उठा सकते हैं इस समय का सदुपयोग करते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे कि इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जो है आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं और अपने जो है आने वाले समय को बेहतरीन तरीके से आप सक्सेसफुली जो है बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर जो प्रोफेशन प्रोफेशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों 18 अप्रैल को मेरा जो है नया बैच शुरू हो रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, आप कंट्री टाइम जोन के हिसाब से डिफरेंट काइंड टाइम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप रजिस्टर करके अपडेट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि प्रैक्टिकल क्लासेस उन लोगों के लिए जरूरत है जिनको कुछ भी नहीं पता है, और ये प्रैक्टिकल क्लासेस प्रैक्टिकल जो है लैब के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इतनी सारी कंपनियों के डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स होने की वजह से प्रैक्टिकल पॉसिबल वी आर यू आर एफ में नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे जो प्रोग्रामिंग और सिस्टम सब अलग, जैसे तो विंडोज स्प्लिट जैसा नहीं होता है या फ्रिज जैसा नहीं होता है कि जहाँ सिमिलर टेक्नोलॉजी आपको सीखने के लिए मिल जाती है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग होती है जो आपको ऑनलाइन से ही पॉसिबल हो जाता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।